सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक इजी चैनल को और घंटी के आइकन को दबाइए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूडे केजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो फोटोशॉप के बारे में, तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप, मैं आप सभी का फोटोशॉप पार्ट 5 में। तो दोस्तों, हम जो सीख रहे थे तमाम टूल्स के बारे में, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि टूल्स क्या होते हैं और कौन, मैंने रेक्टेंगल टूल्स का यूज और मूविंग टूल्स का यूज उसमें बताया था। तो अब नेक्स्ट जो हम टूल्स का उपयोग सीखेंगे वो लासो टूल का है। तो चलिए आ जाते हैं मेरे फोटोशॉप में। फोटोशॉप में आने के बाद आपको देखिए, ये तीसरे नंबर का, ये दोनों हमने चूंकि सीख लिए थे, तो जो ये तीसरे नंबर का आपके सामने जो आ रहा है, ये वाला आप देख रहे हैं, लासो टूल है, जो कि बहुत सारे जो स्टूडियोज है वो इसको इमेज कटिंग के लिए लेते हैं, क्योंकि जो फोटोशॉप में जो कम एक्सपर्ट या बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, और छोटे मोटे जो स्टूडियो है वो वीडियो फोटो को काट कट करने में लेते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज करने में इनका यूज लेते हैं, या फिर और काम में यूज लेते हैं, लेकिन फोटो का बैकग्राउंड चेंज करने के सबसे बढ़िया जो टूल्स है वो है पेन के बारे में। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, शुरू से हम टूल सारे के सारे सीखेंगे। इसे जो लासो टूल है, उस लासो टूल में भी तीन टूल होते हैं। पहला जो लासो टूल है वो दूसरा है पॉलीगल टूल, पॉलीगल लासो टूल, दूसरा है मैग्नेटिक लासो टूल। इन तीनों का यूजेस देखेंगे, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे कि कौन सी से क्या फायदा है, कौन सी से क्या नुकसान है, कौन सा हमें रखना चाहिए, कौन सा हमें नहीं रखना चाहिए, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, इन सभी के बारे में हम इनमें इसमें देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि क्या इनके फायदे हैं, क्या इनके नुकसान है। सबसे पहले कंट्रोल ओ फ्रेस करके आप कोई भी इमेजेस ले लीजिए, शॉर्टकट्स का ज्यादा यूज करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें आप। देखिए, मैं अपने पीसी से कोई इमेज ले लेता हूँ। जैसे पहले तो मैं ये जो थोड़ी सिंगल कलर इमेज है ये ले लेता हूँ, ये देखिए। इस इमेज के बाद में एक और इमेज ले लेता हूँ, इसके बाद में मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, जैसे ये वाली इमेज ले लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे सामने दो इमेज हैं, दो तस्वीरें हैं, ये देखिए। तो जो पहले जो टूल्स का बात मैं बता रहा हूँ, जो सिंगल कलर है बैकग्राउंड का, उस पर बता रहा हूँ थोड़ा, तो आप देखिए, देख लीजिएगा। जो सबसे पहला जो टूल है वो है लासो टूल। लासो टूल का जो ये पहला जो टूल है लासो टूल, एल प्रेस करके इसकी शॉर्टकट है, एल से भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो लासो टूल्स है वो आप एक बार सिलेक्ट करके देखेंगे, तो इसका यूज जो है अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत ही कम लिया जाता है। जो फोटोशॉप के पुराने अपडेट्स है उसमें और टूल्स अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि लासो का पहला टूल्स है, इसलिए अभी तक फोटोशॉप के न्यू वर्जन में भी है, क्योंकि पहले से चल रहा है इसलिए ये अभी तक टिका हुआ है, लेकिन इसका बहुत ही कम यूज होता है। कारण इसका यह हो जाता है कि जब भी हम इसे स्टार्ट करेंगे तो ये हम इसको लगातार एक बार स्टार्ट कर लेते, स्टार्ट करते हुए चलेंगे, अच्छे से इसे कट नहीं कर पाएंगे। देखिए, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, डबल क्लिक करके यहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए, ये देखिए। जैसे ही मैं यहाँ पर रोकता हूँ तो इस तरह से सिलेक्ट हो जाता है। आप इसे लगातार आपको प्रेस करके रखना होगा, तब भी जाकर ये काम करेगा। ये देखिए, मैं इसे कट करते हुए लेकर चल रहा हूँ। हम इसे अच्छे से नहीं कट कर पाते, देखिए यहाँ पर जो कटिंग है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कितना भी कोशिश कर ले, जहां पर अराउंडिंग आएगी वहां पर हम फोटो को अच्छे से कट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास मूविंग के ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं और बहुत ज्यादा टाइम भी ले लेगा। इसी कारण इसका यूज बहुत कम लिया जाता है। देखिए, इसमें बहुत सारे जो है अच्छे से नहीं कर पाएंगे, बहुत ही ज्यादा जो है उसका बैकग्राउंड रह जाता है। हम बैकग्राउंड चेंजिंग में देखें तो, यदि आप फोटोशॉप में नए हो तो आपको लगेगा कि हाँ यार अच्छा तो हो रहा है, लेकिन अच्छा नहीं होता, सच में वो बहुत ही बुरा लगता है। हम कंट्रोल प्रेस करके इसको थोड़ा मूव करके देख लेते हैं, ये देखिए। इस तरह से जो आप कटिंग देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके साइड में, ये देखिए ऊपर, आप ऊपर की तरफ जो हेयर्स पर देखेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इसके हेयर्स है वो बहुत ही स्लो हो रहे हैं, सॉरी इसलिए क्या व्हाइट जो एरो आ रहा है वो आ रहा है, हम अच्छे से इसे सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसका टू इस टूल का यूज बहुत ही कम लिया जाते हैं। हम कंट्रोल एल्ट जेल्ट प्रेस करके इन सभी फेयर्स को उठा देते हैं। अब इसके बाद में जो सेकंड टूल आता है वो आता है पॉलीगल लासो टूल। पॉलीगल लासो टूल्स का यूज बहुत ही ज्यादा लिया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में। कारण इसका यह है कि हम इसे अपनी मर्जी चाहे जैसे मूविंग करा सकते हैं, चाहे जैसे मूव ले सकते हैं, वो बहुत ही फास्ट वर्क करता है, जैसे चाहे घुमा सकते हैं। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, ये देखिए,
यहाँ से जो एरो लाइन आ रही है यहाँ से आप देखिए वापस क्लिक करके यहाँ से देखिए जैसे जैसे आप चाहे वैसे वैसे से कट कर सकते हैं। इस तरह से जो लासो टूल्स के बारे में अभी मैंने बताया उसका यूज होता है जहां पर हमें कोई खाली स्थान से जो लेने हैं कोई थोड़ी बहुत कटिंग उसके लिए यूज होता है, बाकी ज्यादा यूज उसका नहीं होता है। इसको कंट्रोल एल्ट जेड प्रेस करके हम ले लेते हैं। और दोस्तों जरा एक बार थोड़ी सी नजर घुमा लेते हैं इसके प्रॉपर्टीज बार पर, तो आप प्रॉपर्टीज बार पर वही तीन सेटअप्स देखेंगे और वो यही उनका इनका यूज है तीनों का। तो आप जो मैंने बताया था वही सिलेक्ट करके रखे और उनका उसी प्रकार से यूज है जैसे उन तीनों का जो मैंने पार्ट थ्री में बताया था रेक्टेंगल टूल से पहले, जो रेक्टेंगल टूल में बताया था पार्ट फोर में, सॉरी पार्ट फोर में बताया था, तो आप उसी तरह से इनका इस सभी का यूजेज है। तो दोस्तों पार्ट फोर में अब जो इस टूल्स का यूज है उसको करके बता देता हूँ क्यों इसको सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है। कारण इसका यह जाता है कि बहुत ही फास्ट कटिंग कर सकते हैं, दूसरी आप इसे पॉइंट वाइज पॉइंट दे सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं आपको करके बता देता हूँ, यहाँ से आप इस तरह से पॉइंट ले सकते हैं, जहां पर आपको घुमाना हो वहां पर आप पॉइंट ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप चाहे जहां पर अच्छे से कटिंग कर सकते हैं घुमा घुमा के, ये देखिए आप अच्छे से इसे ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों पिक्चर कटिंग जो आपने सीख ली तो समझ लीजिए आपने फोटोशॉप का 60% भाग जो आपने सीख लिया है। इस तरह से आपको देखिए कट करते हुए ले जाना है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, इस बहुत ही अच्छे से वर्क होता है और बहुत ही फास्ट वर्क होता है इसलिए इसका यूज सबसे ज्यादा लिया जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका जो यूज है, जो इसका मिस यूज है, डिसएडवांटेज है वो क्या है। दोस्तों इसके जो डिसएडवांटेज है वो है कि हम जब भी इमेज सिलेक्ट करेंगे, वो पहले वाले सिलेक्शन ये था, तो इसके डिसएडवांटेज जो है जो भी हम इमेज सिलेक्ट करेंगे, ये मान लीजिए जो हमने इमेज सिलेक्ट की है तो ये स्ट्रिक्ट लाइन देता है, एक सीधी लाइन देता है। ये देखिए तो हम सिर वगैरह पर हेयर वगैरह पर आप ऊपर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो स्ट्रिक्ट लाइन आती है ऊपर से, स्ट्रिक्ट लाइन आती है। तो जब हमें घुमाव वगैरह थोड़ा बहुत देना होता है तो वहां पर अच्छे से नहीं जाता, कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट दे दीजिए तो आप जब छोटी मोटी इमेज क्रिएट करेंगे तब तो ठीक है, लेकिन जब हम बड़े बैनर वगैरह पर इमेज क्रिएट करते हैं या वो बहुत HD क्वालिटी में इमेज क्रिएट करते हैं तो वहां पर वो जो स्ट्रिक्ट लाइन है वो ऐसे के ऐसे दिखने लग जाती है और सीधी लाइन ऐसी दिखने लग जाती है, वो अच्छी नहीं लगती, बहुत ही खराब इफेक्ट पड़ता है इससे आपकी इमेज पर। ये देखिए ये जो इस तरह से बाल वो इस तरह से नहीं आएगी, यहाँ से कटा हुआ फिर ऐसे सीधा फिर थोड़ा सा टेढ़ा फिर थोड़ा सा सीधा, इस तरह से इमेज अच्छी नहीं लगती है, इस पर राउंडिंग नहीं होती, घुमाव नहीं होती। तो आप जो स्ट्रेक्ट चीजें को कट करने के लिए आप इसे ले सकते हैं। देखिए जैसे आपको जो रेक्टेंगल पार्ट में आपको सिलेक्ट करना है या फिर सर्किल पार्ट तो आप नहीं ले सकते, जो स्ट्रेक्ट लाइन्स है वो आप ले सकते हैं इस तरह से, जो आप कट करना चाहते हैं इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर डबल क्लिक करके आप इसको सिलेक्शन को रख सकते हैं। तो ये था इसके पॉलीगॉन टूल के बारे में। और जो अब नेक्स्ट टूल आता है वो आता है मैग्नेटिक टूल। दरअसल दोस्तों ये मैग्नेटिक टूल का जो नाम है वो मैग्नेटिक टूल्स इस पर इसलिए पड़ गया क्योंकि यह चुंबक की तरह ही कार्य करता है। तो दोस्तों इसका जो यूज होता है वो दो कलर्स के बीच में होता है, दो कलर्स के डिफरेंट के बीच में होता है। मान लीजिए आपके पास एक कलर है ग्रीन एक है ब्लैक, मतलब आपकी इमेज जो है वो ब्लैक है और आपके बैकग्राउंड का कलर जो है ग्रीन है, तो ये दोस्तों बहुत ही फास्टली एक बार आपने क्लिक कर दिया उसके बाद आप अपने ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट करता हुआ चलेगा। यदि आपका कलर डबल कलर है ओनली, मल्टीपल कलर में नहीं चलेगा, यदि बैकग्राउंड एक ही कलर का है तो। इसलिए तो बहुत सारे स्टूडियो जो है सिंगल कलर पर फोटो लेते हैं, एक ही पर्दा रखते हैं, आपने देखा होगा पीछे कि सिंगल कलर पर पर्दा रखते हैं, यदि उनको बैकग्राउंड चेंज करना होता है तो वो बहुत ही ईजीली हो जाता है, वो इसलिए रखते हैं। दोस्तों दो कलर मान लीजिए आपके पास, आपने सेट पहना है ब्लैक का और आपकी जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो है ग्रीन कलर का, तो वहां पर आपने जैसे इस टूल को स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ही ग्रीन और ब्लैक, ना तो ग्रीन की ओर जाएगा ना ब्लैक की ओर जाएगा, उसके बीच की जो बॉर्डर से होते हुए आपकी इमेज को कट कर लेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो अच्छे से नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर दो मल्टीपल कलर व्हाइट सेम से है। तो देखिए मैंने इसको ऐसे स्टार्ट कर दिया तो देखिए ऑटोमेटिक ही चलता रहता है, ये जो कलर है इसमें मिला हुआ है इसलिए अच्छे से नहीं जा रहा। आप चाहे तो इसे ठीक कर सकते हैं, ये मान लीजिए कहीं पर बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज आ जाता है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आप डिलीट बटन को प्रेस करके इसके जो कट्स है वो
पिक्चर ले सकते हैं, ये देखिए ऐसे डिलीट बटन को या बैक स्पेस बटन को, कोई से को भी जो भी आपको अच्छा लगे उसको ले सकते हैं, चाहे कोई सा भी हो। आप ये सिंपल देखिए खुद भी खुद जाता जा रहा है, ये देखिए इसको जैसे ही दो कलर से ज्यादा मिलता है तो ये उधर उधर भागने लगता है, यही इसका जो है डिसएडवांटेज, और इसके अलावा इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है और सबके लिए काफी बेस्ट रहता है। ये देखिए यदि आपका बैकग्राउंड सिंगल है तो ये काफी अच्छी इमेज आपको देगा और बहुत ही अच्छी कटिंग देगा। अब जो यहाँ पर जो देख रहे हैं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा तो आप इसको रहने दें एक बार के लिए। ये देखिए इसके लिए आप जो टूल्स का यूज करने कर सकते हैं वो है, मैंने जैसा कि पहले बताया था, आप इन्हें तो सिलेक्ट करके छोड़ दीजिए इसे। ये देखिए मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ, जैसा कि मैंने रेक्टेंगल का यूज बताया था उसी तरह से आप यहाँ पर रेक्टेंगल का यूज करके इसे ठीक कर सकते हैं। देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ, यदि आपका सिलेक्ट किया हुआ कर्सर सिलेक्ट कर दिया उसके बाद आपको दिखाने देता हूँ, कंट्रोल जेड प्रेस करके आप वो जो सिलेक्शन है वो वापस ला सकते हैं। कभी कभी कभार क्या होता है कि वो गायब हो जाता है जो सिलेक्शन होता है वो, तो आप कंट्रोल जेड प्रेस करके ले आए, ज्यादा परेशान ना हो कि वापस सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिंपली आप हम रेक्टेंगल टूल पर जाएंगे, रेक्टेंगल टूल के बाद में हम ये वाला टूल्स ले लेते हैं और इस टूल्स की जो प्रॉपर्टी है वो एड सिलेक्शन वाले प्रॉपर्टी लेंगे जिसमें हम ऐड कर सके। तो यहाँ पर सिंपली हम ऐड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह से ऐड हो चुका है। इस रेक्टेंगल का यूज क्या है मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिए हैं, तो आप आसानी से इस इमेज का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको कोई बैकग्राउंड लेकर बता देता हूँ अच्छे से, तो आपको काफी बेटर समझ में आएगा। सिंपली मान लीजिए मैं कोई बैकग्राउंड ले लेता हूँ, एक मिनट आप रुकिए थोड़ा सा, मैं कोई भी इमेज जैसे इस वेडिंग में से जाकर के मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी बैकग्राउंड ले लेता हूँ। देख जैसे मान लीजिए मैंने ये बैकग्राउंड ले लिया, सिंपली आपको बैकग्राउंड चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा ड्रैग करके बाहर ले आए इमेज को, और जो इमेज आपने कट की है उसको मूव टूल सिलेक्ट कर लीजिए। मूव टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसके ड्रॉ करके इसको खींच के घसीट कर सीधा इस बैकग्राउंड पे ले जाकर टेक देना, इस तरह से आ जाएगा। और इस तरह से आप इसका बैकग्राउंड आसानी से चेंज कर सकते हैं, पिक्चर का बैकग्राउंड, और बहुत ही सुंदर पिक्चर आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये तो एक सिंपल तरीका था, लेकिन पिक्चर कट करने का वास्तव में रियल तरीका ये नहीं होता, इस बड़े बड़े स्टूडियो वो ये तरीका नहीं लेते। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही बेहतरीन तरीका जिससे आप पिक्चर इमेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, चाहे जिसके साथ खड़ा होना हो उसके साथ खड़े हो सकते हैं, चाहे जहां पर खड़ा होना हो वहां पर खड़े हो सकते हैं, किसी को भनक भी नहीं लगेगी कि वास्तव में आप कहाँ पर खड़े हैं। तो इस तरह से इन तीन टूल्स के जो होते हैं यूज थे, हम नेक्स्ट वीडियो में टूल्स के अगले टूल्स के बारे में सीखेंगे और सारे टूल्स के बारे में सीखते जाएंगे और बहुत ही अच्छी एडिटिंग आप करना सीख जाएंगे इमेजेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय दोस्तों। तो तैयार